अगर कोई लड़की सड़क पे न्यूड खड़ी है तो भी किसी का हक नहीं है कि कोई उसको रेप कर ले या उसको मॉलेस्ट कर ले या उसको कुछ बोल दे, ये उसका विल है, नहीं सरकारी किए। लेवल हाँ पे, नहीं और किए। बच्चे के साथ डिजिटल ये मोबाइल है, एंड्रॉयड है, इस पे पोर्नोग्राफी धरल्ला से चल रहा है, तो डिस्ट्रैक्ट तो होगा ही, इसकी जिम्मेदारी तो उस गवर्नमेंट को भी जा रहा है। आप यदि एजुकेशन ओपन टॉक, यदि एजुकेशन जैसे आपने बताया कि हर चीज़ कॉमनली आप एजुकेशन दे दीजिए, पोर्नोग्राफी भी चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क आपको नहीं लग पड़ा। रहा है? राइट राइट, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको बताऊं, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर कोई लड़की सड़क पे न्यूड खड़ी है तो भी किसी का हक नहीं है कि कोई उसको रेप कर ले या उसको मॉलेस्ट कर ले या उसको कुछ बोल दे, ये उसका विल है। पॉजिटिविटी भी दिखता है, यदि हाँ आपके पास प्रॉपर नॉलेज है। हाँ आप कह रहे हैं लड़कियों के कपड़े छोटे हैं तो लड़की इंडिया की है, और कपड़े पूरे ढके हुए हैं तो लड़की जो है भारत की है, तो इस तरह का जो फालतू डायलॉगबाजी और ये जो निगेटिव टॉक्सिक जो कमेंट्स दिए जाते हैं, इनसेंसिटिव कमेंट्स, जब तक किसी लड़का या लड़की का एक दूसरे के लिए कंसेंट नहीं होता है, तो अगर वो कंसेंचुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है तो वो अलग बात इसका है। सीधा एग्जांपल देखें, उर्फी हाँ जावेद, आपने नाम सुना होगा, ट्रोलिंग होता है, अब एक्ट्रेस है, न्यूड ही हो जाती है, कभी सेमी न्यूड होती है, और ट्रोलिंग होता है, लाखों के जो यूथ है इंडिया में ट्रोलिंग करते हैं, अरे ये तो रेप की शिकार हो जाएगी, वो कर रही है, भले ही उसके पास फ्रीडम है, उसका सुप्रीम कोर्ट का भी कोई इसका गाइडलाइन नहीं है, क्या कहिएगा ये सब चीज़ों से? नहीं देखिए, गाइडलाइंस को बहुत ज़्यादा अब स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। हम लोग लॉ की जितनी बात करते हैं, अगर लॉ का राइट इम्प्लीमेंटेशन करें और लॉ का मिसयूज़ ना करें तो फिर कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। लॉ बना ही इस चीज़ के लिए ताकि हम अपने आपको प्रोटेक्ट कर सके, एक सोशल सिक्योरिटी बनाकर रख सकें, और ये सिक्योरिटी सबके लिए उतना ही बराबर है जितना एक छोटा बच्चा है, एक महिला है, एक लड़की है, एक लड़का है, एक मर्द है, एक बुजुर्ग है, एक यंग बॉय है। जब जैसे बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे लॉ जो फीमेल फ्रेंडली है उसका मिसयूज़ किया जा रहा है, उसको एज अ वेपन यूज़ किया जा रहा है, तो हम लोग वहाँ पर देखते हैं बहुत जगह पे लड़के अब्यूज्ड हैं, बहुत जगह पे मेल अब्यूज्ड हैं। मेल अब्यूज़ के बारे में कोई बात नहीं करता है, मेल के पेन के बारे में कोई नहीं समझता है कि उनके भी इमोशनल जो फैकल्टी है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो रहा है। बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं जो परवर्ट होते हैं, उन लोगों को असेस करने की ज़रूरत है, उनको टारगेट करके काउंसलिंग और हेल्प की ज़रूरत है ताकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। अगर हम लोग प्रॉपर वे में काम करें, एक लॉ बनाएं, एक बॉडी, गवर्निंग बॉडी बनाएं, एक ऐसा सिक्योरिटी सेल बनाएं जहां पर इन चीज़ों पे फोकस करके एक्चुअली में काम किया जाए, जिन पे काम करने की ज़रूरत है। किसी लड़की को कोई लड़का छेड़ रहा है तो लड़की को टारगेट करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उस लड़के को समझाओ कि आपका ये कंडक्ट जो है ये राइट अप्रोप्रिएट नहीं है। मान लीजिए कि कोई लड़की शॉर्ट कपड़े में है, कोई मतलब लड़की सूट सलवार में है, जो ट्रेडिशनल है, जो रेप करने वाला हुआ, क्या मतलब कि जो सूट सलवार पहनी होगी उसको रेप नहीं करेगा, या देखिए, लॉन्ग ये तो बहुत शॉर्ट ही स्कर्ट में है कि उसको रेप नहीं उसको ये तो करेगा? काफी जजमेंटल अप्रोच हो जाएगा। देखिए ऐसा बात नहीं है, रेपिस्ट का जो दिमाग होता है वो लड़की पर फोकस्ड होता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गांव में सलवार सूट पहनने वाली लड़की के साथ मॉलेस्टेशन और रेप नहीं होता है और शहर में छोटे कपड़े पहनने वाली लड़की के साथ मॉलेस्टेशन और रेप, ऐसा कुछ तो नहीं फिर ऐसी है। पाबंदी क्यों होगी भैया, इस तरह शॉर्ट का पहनोगे तो रेप ये की एक शिकार हो? मानसिकता है, ये एक थॉट प्रोसेस हो सकता है, एक विकृत मानसिकता है कि आप किसी के कपड़े से, किसी के अपियरेंस से, किसी के लुक से, हाव भाव से आप उसको जज कर रहे हो। तो पेरेंट्स तो अभी तक लोग यही है कि नहीं, शॉर्ट में नहीं रहना, ये नहीं रहना, अभी भी लोग, अब लोग जो बंदिशें लगाना शुरू कर बंदिश देते है, हैं, बंदिश उस पे लगाते हैं जिस जहाँ जहाँ बंदिश लगाना है वहां नहीं लगाते, मानसिकता पे बंदिश है नहीं, मानसिकता पे बंदिश एजुकेशन लगाने पे की जरूरत बंदिश है। है नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, वहां पे 8 बजे के बाद लड़कियों के छात्रावास पे ताला लग जाता था, अंदर में अटेंडेंस होता था कि अब लड़कियां सब आ गई हैं, भेड़ बकरी की तरह हम लोग का अटेंडेंस होता था, पता चला हाँ ये लड़की नहीं है कहाँ है, अगर नहीं गई है तो परमिशन लेके गई है कि नहीं गई है, पे फिर गार्डियन को फोन जाता था कि आपकी लड़की हॉस्टल में नहीं है, इस तरह से। इसका मतलब माहौल बहुत खराब था, नहीं खराब हम नहीं बोलेंगे, हम किसी चीज को खराब या अच्छा के मैं ना नहीं। कुछ तो होगा उसमें। हाँ देखिए, सिक्योरिटी की बात है, माँ बाप बच्ची को छोड़ रहे हैं, बाहर में लड़कियां पढ़ रही हैं, आ रही है जा रही है, अगर किसी के साथ कुछ गलत गलती से हो जाता है, इसमें मतलब लड़कियों की गलती नहीं है, मतलब किसी और की वजह से, तो माँ बाप किससे क्वेश्चन करेंगे? बच्चे से करेंगे, बीएचओ से करेंगे, हॉस्टल अथॉरिटी से करेंगे, हाँ जो जाकर बैठ जाएंगे वार्डन से डी हाँ डीन क्वेश्चन वार्डन और प्रोफेसर और जो वीसी होते हैं उनके सामने क्वेश्चन मार्क कि आपके कैंपस में हमारी बच्ची थी तो उसके साथ ऐसा कैसे हो गया, तो कैंपस अपना रूल बना दिया कि बच्चों को सेफ गार्ड करने के लिए आप 8 बजे के बाद
हॉस्टल से बाहर ना निकले, 8 बजे आपका एंट्री टाइम था मैक्सिमम, और लड़कों का कुछ नहीं था, लड़के 12 बजे 1 बजे रात में जा रहे हैं, लाइब्रेरी से आ रहे हैं, आराम से खा पी रहे हैं, चाय पानी चल रहा है, तो हुआ कि भाई लड़के और लड़कियों को बराबरी का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है, हम लोग भी रात में घूम सकते हैं। हाँ हम लोग कॉन्ट्रोवर्सी हुआ, बहुत हुआ इस पर, बहुत डिस्कशन हुए, हंसी मजाक भी हुआ, तो बात हुआ कि भाई सिक्योरिटी को पॉइंट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्ट को देखते हुए इस तरह के नियमों को लागू किया गया ताकि लड़कियां सेफ रहे, क्योंकि प्रशासन किस किस का जिम्मेदारी लेगा। लेकिन मानसिकता तो बदल नहीं सकते। हाँ मानसिकता आप नहीं बदल सकते। तो हम बोले कि आइडियली क्या करना चाहिए कि लड़कों के छात्रावास पे भी लगा देना चाहिए कि 8 बजे तक सब काम करके, लड़कों को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, क्या जरूरी कि 12 बजे रात में बैठ कर टपड़ी पे चाय पिए, उसको भी टाइम से सो जाना चाहिए 10 बजे। यदि उसी को कोई दोस्त में यदि कोई किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कुछ गोली मार दिया, कुछ हो गया तो क्या? हाँ, कुछ भी हो गया, रेज हो गया, मारपीट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या मतलब लड़कों के साथ भी हो सकता है ना। जैसे मेरा कहना था कि अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो हम लोग यूनिवर्सिटीज में क्यों जाते हैं, ज्ञान अर्जन करने जाते हैं, एक अच्छे वो ब्रह्मचर्य का पालन या वो जो भी कहिए, वो जो आपका स्टूडेंट लाइफ होता है उसमें आपका एक टाइम टेबल होता है, आपको पढ़ना है, आपको आपको एक टाइम से सोना है, एक टाइम से उठना है। तो मेरा कहना था कि लड़कों को भी 8 बजे बंद कर दिया जाए और सब बच्चा अपना खा पी करके अपने आप आराम से पढ़े, 10-11 बजे तक सब सो जाए, क्या जरूरत है 1 बजे रात तक घूमने का। तो इससे क्या होगा कि बायोलॉजिकल साइकिल भी मेंटेन होगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, बच्चे अच्छा करेंगे, उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, हाँ राइट इक्वलिटी आएगा, हॉस्टल के अंदर ही फैसिलिटीज एंटरटेनमेंट का बढ़ा दिया जाए कि टीवी लगा दिया जाए, टेबल टेनिस लगा दिया जाए, कि बच्चा मतलब हॉस्टल में आने के बाद अपना खेल रहा है खा रहा है। तो मतलब प्रोफेसर्स लोग सुने तो हंसे भी मेरे ऊपर कि नहीं ऐसे, बॉयज़ को बेसिकली होता क्या है कि वहाँ का ये ऐसा उन्मुक्त वातावरण था कि वहाँ ये सब बिल्कुल नॉर्मल था, यूनिवर्सिटीज़ का ऐसा माहौल ही होता है कि आप रात को लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो या बाहर कहीं घूम रहे हो दोस्तों के साथ, मन नहीं लगा तो बाहर निकल गए, इस तरीके का। तो लोग सभी लोग अपना इंडिपेंडेंस एंजॉय करना चाहते हैं और लड़कों को कंट्रोल करना मुश्किल है। नहीं तो इस पर कुछ रूल्स नहीं बना, लेकिन हाँ ये सुनने में आया था कि लड़कों के हॉस्टल में 10 बजे का ये लगा था कि 10 बजे लड़कों का अटेंड, उस समय कुछ ऐसा कांड हुआ था जिसके कारण ये सब रूल्स लगे थे, मुझे अभी नहीं पता कि अभी वहाँ क्या हो रहा है, आई डोंट नो, लेकिन हम लोगों के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था जिसके वजह से लड़के और लड़कियों के हॉस्टल और लड़के लड़कियों की मीटिंग पर भी बैन लगा था, जगह जगह पेड़ में कैमरा वैमरा लगाया गया था देखने के लिए कि कहाँ क्या एक्टिविटी हो रहा है। तो मैम लास्ट इन शॉर्ट में बताइए, एक्चुअली वहाँ बहुत सारे हम लोग डिस्कशन किए हैं, इन शॉर्ट में टोटली आप बता दीजिए, काउंसलर हैं तो जो लड़के लड़की अब्यूजिंग होते हैं आजकल दोनों बराबर होते हैं, नोट लड़की और शिकार होते हैं रेप हो जो भी, लड़के के साथ बहुत छोटे छोटे बच्चे से प्रॉब्लम होता है, इन शॉर्ट बताइए एक मैसेज क्या देंगे। देखिए अब्यूज और टॉक्सिसिटी या इस तरह के जो भी रेप है या मॉलेस्टेशन है, इन सब चीज़ों से हम लोगों को, ये सब चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सेल्फ में अपने आप को जागरूक करना है कि अगर हम लोगों को कुछ सही नहीं लग रहा है तो इमिडिएटली उस चीज़ को रिपोर्ट किया जाए, डरा नहीं जाए, और आप जितना डरेंगे आप सामने वाले के मनोबल को बढ़ाएंगे, जो अब्यूज़र है उसके मनोबल को आप बढ़ाएंगे। तो डरना नहीं है, रिपोर्ट करना है, बातचीत करना है, अवेयरनेस रखना है, और सरकार की तरफ से या स्कूल प्रशासन की तरफ से या फैमिली में पेरेंट्स की तरफ से एक विजिलेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा का जो डेवलपमेंट और ये जो सोशल जो समाजीकरण हो रहा है वो किन लोगों के बीच में हो रहा है, कैसे लोग हैं, कोई इससे नुकसान, तो अगर आप रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप अपना स्ट्रैटेजी खुद बना लेते हैं। हाँ, क्योंकि हर जगह पर पुलिस नहीं अवेलेबल है, हर जगह पर आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है, तो अगर हम अपना सेल्फ प्रोटेक्शन सेल्फ डिफेंस खुद कर लें तो इससे अच्छी तो बात कुछ हो ही नहीं सकती। दिस इज द मोस्ट आइडियल सिचुएशन, इन वर्स्ट सिनेरियो इफ समथिंग हैपेंस तो सबसे पहला काम है FIR करना, रिपोर्ट करना। और जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें अंडर रिपोर्टेड है, तो अंडर रिपोर्टेड है तो इसके पीछे रीज़न है सामाजिक दबाव, डर। तो अगर इसको हम लोग दूर कर दें तो रिपोर्टिंग होगी, और रिपोर्टिंग होगी तो क्राइम करने वालों का मनोबल घटेगा, विकृत मानसिकता के लोगों को जवाब देना, तो खुल के सामने आना पड़ेगा। बिल्कुल खुल के सामने आना होगा, अपना स्टैंड खुद लीजिए, और अगर आप में बहुत करेज है तो दूसरों का भी स्टैंड लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखिए सेशन में बहुत सारे चर्चे हुए हैं, बहुत सारे डिस्कशन हुए, हेल्दी डिस्कशन हुआ, और ये बिल्कुल फैक्ट डिस्कशन बहुत जरूरी है, चूंकि लाखों लोग परेशान हैं, और यंग जनरेशन में यदि डिस्कशन ना हो इन चीज़ों के लिए तो लोग ऐसे ही उत्पीड़न, प्रताड़ना, तमाम ऐसे शब्द आते हैं, मानसिक मेंटली टॉर्चर अब्यूजेज होते रहेंगे, और ऐसे में वो चीज़ वो जो एक यंग जनरेशन के लिए एक अच्छा
फ्यूचर होता है वो नहीं बन पाएगा, लोग परेशान होते जाएंगे। इसलिए अवेयरनेस तो होना ही चाहिए और हेल्दी डिस्कशन बहुत जरूरी है। आप जब भी मिलिए किसी से, ओपन टॉक कीजिए, मोस्टली सोचिए कि ये चीज़ कॉमन है, नॉर्मल है, और ऐसे समझिए कि ये चीज़ एजुकेशन के थ्रू हम इसको इस तरह से लें ताकि कहीं से किसी को प्रॉब्लम ना हो। फिलहाल और भी अपडेट्स के लिए जुड़िएगा हमारे साथ। शुक्रिया। थैंक यू। एक बजे तक ही रहता है।